हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ये रैबिट का पैटर्न। ये देखिए, मुझे किसी ने एक फ़ोटो भेजी थी, बोला था कि एक ये रैबिट का बनाना सिखाएं। तो मैं यहाँ पे एक डंगरी बना रही थी, चार साल के बेबी की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसे शेयर कर दूँ। ये देखिए, तो डंगरी का ये जो बिब पोर्शन है, ये देखिए इस पर मैं ये बना रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आगे मैंने इसमें बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है, सारा फंदों का डिवाइडेशन सब कुछ मैंने इसमें बताया है। थोड़ा सा डार्क कलर है, ये ग्रे कलर है, तो इसमें थोड़ा शायद आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आगे आपको इसको अच्छे से समझाने की। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये रैबिट का पैटर्न। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमें किस तरह से बनाना है, इस पैटर्न को किस तरह से बनाना है। इसमें मैं थोड़ा सा फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। मैं यहाँ पे एक ही बिप पार्ट बनाने जा रही हूँ। बिप का पार्ट है, मेरे पास यहाँ है 60 फंदे, ठीक है, 60 फंदे मेरे पास यहाँ है, 12-12 फंदे मैंने यहाँ पे ये पट्टी में लिए हैं, मेरे पास हो गए यहाँ पर 24 फंदे, ठीक है। 24 फंदे हटाने के बाद मेरे पास यहाँ बीच में 36 फंदे बच जाते हैं, और 36 फंदे बचने के बाद 28 फंदों का मेरा ये पैटर्न है, ठीक है। 28 फंदों का मेरा ये पैटर्न है, यहाँ पर देख लीजिए, 60 फंदे मेरे पास हैं, 24 फंदे 12-12 पट्टी के हो गए, तो 36 फंदे बचते हैं मेरे पास ये वाले। इसके बाद 28 फंदों का मेरा ये पैटर्न है, 8 फंदे मेरे पास यहाँ बचते हैं, इसमें से निकालो। तो 4 फंदे मैं इसको, 8 फंदों को 4-4 में डिवाइड कर दूँगी, 4 फंदे मुझे यहाँ एक्स्ट्रा लेने हैं, 4 फंदे यहाँ एक्स्ट्रा लेने हैं, और 29 रोज का मेरे पास ये टोटल पैटर्न है, 29 सिलाइयों का मैं ये यहाँ पर पैटर्न बनाऊँगी। बता देती हूँ ये रैबिट मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, ये देखिए। तो आइए देख लेते हैं, इसको हमें सीख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 12 फंदे की पट्टी बुन ली है। इसके बाद मैं यहाँ पे 4 फंदे जो मैंने डिवाइड किए हैं उन्हें बुन लूँगी, 1, 2, 3, ये देखिए 4, ठीक है। इसके बाद मैं वाइट कलर का धागा लूँगी। अब देखिए, वूल मैंने यहाँ पे देख लीजिए, वूल मैंने यहाँ पे ली है, ये ओसवाल की, ओसवाल की नहीं, हाँ गंगा की है शायद, पता नहीं, नीट प्लस वूल है। और ये देखिए यहाँ पे ये बेबी वूल है दोनों ही। तो वाइट कलर से मैं यहाँ बनाने वाली हूँ, देखिए। और 9 नंबर की मैं यहाँ पे निरिल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर पैटर्न को रीड करते हुए एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए पैटर्न को रीड करते हुए मैं यहाँ पे 4 फंदे मैंने यहाँ बुन लिए बचे हुए, जैसे ये ब्लैक ब्लैक जो एरिया दिख रहा है आपको, ये अब 4 फंदे में, 1, 2, 3, 4 फंदे में और बुनूंगी एक्स्ट्रा, ये वाले 1, 2, 3, 4 ये ब्लैक कलर के धागे से, क्योंकि यहाँ देखिए इसके नीचे हमने कोई भी कलर यूज़ नहीं किया है। इसके बाद 1, 2, 3, 4 फंदे में वाइट कलर से बुनूंगी, ठीक है। तो ये मैं इसी कलर से 1, 2, 3 और ये 4 फंदे मैंने बुन लिए। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का धागा लगाऊंगी, ये देखिए 4 फंदे बुनूंगी, 1, 2, 3 और ये देखिए 4, ठीक है, 4 फंदे मैंने यहाँ पे ये बुन लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे, मैं आपको पैटर्न को थोड़ा सा रीड करना बता देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए ये वाले, अब हम इस तरफ से सीधी तरफ से चल रहे हैं, इस साइड से तो हम इस तरफ से चलेंगे, ठीक है। 4 फंदे मैंने यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 बुन लिए। इसके बाद मैं 1, 2, 3, 4, 5 फंदे इसी कलर से बुनूंगी, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे वाइट से, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक से, 5 वाइट से, ठीक है। तो अब मैं 5 फंदे इसी कलर की वूल का यूज़ करूंगी। पहले मैं इसको इसके साथ थोड़ा सा बांध देती हूँ, जिससे कि ये निकले ना वाइट कलर का धागा। अब मैं इसी कलर से बुनूंगी, देखिए 1, 2 इसको हमें बीच बीच में ऊपर इसके नीचे से निकालते जाना है,
जिससे कि ये हमारा साथ ही साथ चलता जाए। ये देखिए इस तरह से, तीन, चार और ये देखिए पांच। ठीक है, मैंने ये पांच फंदे बुने। इसके बाद मैं वाइट कलर का धागा यूज़ करूँगी, उससे पांच फंदे बुनूंगी। देखिए किस तरह से, एक, दो, तीन। अब मैं ब्लैक कलर का धागा इसके ऊपर से क्रॉस कर लूँगी इस तरह से, नीचे से, सॉरी। चार और ये पांच, ये देखिए। ठीक है, पांच बुने। इसके बाद मैं फिर से वही करूंगी, पांच बुनने के बाद ये वाले मैंने बुन लिए वाइट से। अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, सात फंदे मैं पूरे ब्लैक से बुनूंगी। इवन इस लाइन के बाद मैं सारे फंदे ब्लैक से बुन लूँगी। उसके बाद मैं रॉन्ग साइड से इस तरफ से पैटर्न रीड करूँगी, इस तरफ से, सॉरी मैं यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे ये मैंने पांच फंदे बुन लिए वाइट से। अब मैं सारे फंदे ब्लैक से बुन लूँगी, रॉन्ग साइड से मैं ब्लैक से बुनती हुई आऊँगी यहाँ तक। ये ग्रे कलर है, मैं इसको ब्लैक बोल रही हूँ थोड़ा, सॉरी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसके बाद फिर हमारे पास ये पैटर्न के फंदे प्लस चार हमारे साइडों के जो बचे हुए फंदे हैं, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इसके बाद पट्टी बनाऊंगी मैं। अब देखिए नेक्स्ट रो में, अभी तक हम पैटर्न को इस तरह से रीड कर रहे थे, इस तरह से। अब हम पैटर्न को सेकंड लाइन, इस लाइन के ऊपर इस तरह से रीड करेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सा, ये जितना भी ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ग्रे कलर है मेरा और ये वाइट कलर है। इसके बाद जहाँ हमारा वाइट कलर ख़त्म हुआ है रॉन्ग साइड से, उससे दो फंदे पहले, ये देखिए दो फंदे पहले इसके ऊपर वाली लाइन में मैं वाइट कलर के दो फंदे बुनूंगी। और यहाँ जहाँ इस फंदे में एक फंदे पहले मैं लास्ट के जो चार पांच फंदे बुने हैं उसमें पांचवें फंदे पे मैं ब्लैक कलर बुनूंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ ये देखिए वाइट कलर जहाँ पे है, ये देखिए दो फंदे पहले मैं वाइट कलर बुनूंगी इस तरह से। देखिए एक, दो और इसके ऊपर भी मैं वाइट कलर बुनूंगी इस तरह से। ये देखिए इसको थोड़ा सा इस तरफ से लेके आते हैं। और लास्ट का जो मैंने वाइट कलर बुना है फंदा इधर, इसके ऊपर मैं ग्रे कलर का बुनूंगी। ये देखिए ये जो लास्ट वाला वाइट है इसके ऊपर मैं ग्रे कलर बुनूंगी। ये देखिए इसके बाद फिर तीन फंदे वाइट फिर ग्रे। ठीक है, ये देखिए ये जो वाइट है इसके ऊपर मैं फिर से वाइट बुनूंगी, वो सॉरी ग्रे बुनूंगी। इसके बाद फिर मैं तीन वाइट बुनूंगी, एक, दो, तीन वाइट बुनूंगी। इसके बाद मैं फिर से एक ग्रे फंदा बुनूंगी, सॉरी अब से मैं ग्रे को ब्लैक बोलूंगी तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा, पैटर्न से मैच हो जाएगा। ये देखिए फिर ये जो मैंने ग्रे फंदा बुना था इसके ऊपर मैं चार फंदे वाइट बुनूंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, एक, दो, तीन, चार। इसके ऊपर मैं नीचे पैटर्न देखती जा रही हूँ, इसके ऊपर मैं वाइट जो लास्ट है इसके ऊपर मैं बुनूंगी ग्रे कलर, एक, फिर मैं बुनूंगी एक, दो, तीन, चार वाइट। ठीक है,
जहाँ मैंने ये बुने थे, चार वाइट, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, आपको पैटर्न रीड करना मैंने बता दिया है, अब मैं इस साइड से पैटर्न रीड करूँगी। अब मैं आपको इसको पैटर्न बनाना बताऊँगी। अब देखिए, मैंने ये चार फंदे बुन लिए, इसके बाद में जितने भी फंदे मेरे पास है मैं सभी ग्रे कलर से बुन, थर्ड लाइन पे हूँ अपनी, और मैं ग्रे कलर से बुन रही हूँ अपना ये, देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर के ऊपर ही वाइट कलर से बुनूंगी, एक, दो, 11 फंदे वाइट कलर से लूँगी। ठीक है, तीन, इसके ऊपर से थोड़ा सा इसे क्रॉस कर देते हैं, चार, पाँच, छः, देखिए फिर से हम इसको इस साइड ले आएंगे, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये देखिए 11 फंदे हमने वाइट कलर से बुने। इसके बाद फिर हम एक ग्रे कलर से बुनेंगे, ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 और एक ग्रे कलर से बुनने के बाद फिर से मैं वाइट कलर से बुनूंगी, एक, काउंटिंग कर लेती हूँ कितनी बार, ये देखिए मैंने ये 11 फंदे बुन लिए, थर्ड रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर एक ब्लैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठ कलर थर्ड रो में वाइट से बुनूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर एक ब्लैक, फिर तीन वाइट। ठीक है, 8, 1, 3, अब मैंने एक बुन लिया, अब मैं 8 बुनूंगी, 1, 2, 3, ये 4। ठीक है, ब्लैक कलर को थोड़ा सा ऊपर लाएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद फिर एक, 8 हो गए हमारे यहाँ। अब हम फिर से ग्रे बनाएंगे, ये देखिए, उसके बाद तीन फंदे वाइट से बनाएंगे हम, 1, 2, ये देखिए 3। ठीक है, इसके बाद जैसा भी है उसे हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी हम अपना पैटर्न डाल रहे हैं ब्लैक से पूरी लाइन आएंगे। अब हम उल्टी साइड आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग साइड से आ गए हैं, फोर्थ नंबर की रो है हमारी। अब हमें यहाँ पे एक फंदे पहले वाइट फंदा बुनना है, ठीक है, और तीन फंदे वाइट बुनने हैं, 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद हमें एक ग्रे कलर का फंदा बुनना है, ये वाला जो वाइट के ऊपर है ये ग्रे कलर का फंदा बुनना है, ये देखिए 1। उसके बाद हमें 10 फंदे, ये ऊन ना उलझ जाती है इस तरह के पैटर्न्स में, 10 फंदे वाइट से बुनने हैं, एक ग्रे बुनने के बाद, देखिए 1, 2, 3, इसको हम इस तरफ लाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके बाद हमें ग्रे कलर बनाना है, उसके बाद फिर हमें 6 फंदे वाइट से बनाने हैं, 1, 2, 3, है ना, 6 फंदे बनाने हैं ये ग्रे को, थोड़ा साथ ही साथ हमें ये धागा चलाना है दूसरे कलर का, 1, 2, 3, ये देखिए 6 फंदे हमारे वाइट के हो गए,
ठीक है, साथ साथ हमें इसलिए चलाना है, ये देखिए यहाँ पे, इस वजह से अगर हम यहाँ पे ब्लैक छोड़ते हैं तो यहाँ तक लाने में बहुत लंबा हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे ना खिंचाव सा आ जाएगा, एक झोल सा, एक ब्लैक। अब हमें दो वाइट बनाने हैं, एक और ये दो। मैं देख लेती हूँ पैटर्न को। दो वाइट बनाने के बाद फिर हमें सभी फंदे घिरे से बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से जो भी डिज़ाइन है इसके साथ कंटिन्यू करना है, फिर फ्रंट साइड से आना है हमें। अब देखिए सीधी साइड से मैं यहाँ तक बनाते हुए आई। अब ये जो घिरे फंदा है ये वाला, इसके ऊपर मैं घिरे बुनूंगी, फिर से मैं यहाँ पे एक घिरे बुनूंगी, उसके बाद फिर मैं वाइट से बुनूंगी, वाइट धागे से, इससे तीन फंदे। देखिए एक दो तीन, फिर एक फंदा मैं ग्रे कलर के धागे से बुनूंगी, एक, फिर से तीन फंदे मैं वाइट से बुनूंगी। सॉरी कहाँ गया, एक दो तीन और एक फंदा ग्रे से जाएगा। ये देखिए इसके बाद मैं फिर 12 फंदे वाइट से बुनने वाली हूँ, एक दो तीन, लेकिन बीच बीच में मैं ग्रे कलर का जो धागा है इसको मैं इस तरफ करती रहूँगी। 12 फंदे बुनूंगी मैं वाइट कलर से, फिर मैं थोड़ा सा इसको इधर लाऊंगी। इसको आप इस साइड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दो या तीन फंदों बाद आप इस साइड कर दीजिए इसको। दो चार छः आठ और एक नौ। उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा इस साइड करूँगी इस धागे को। दस ग्यारह बारह, काउंट कर लेती हूँ, दो चार छः आठ दस बारह। फिर मैं यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ करने वाली हूँ, एक, फिर मैं यहाँ पे दो फंदे ये वाइट से बुनूंगी। उसके बाद मैं ये बाकी के फंदे ग्रे कलर से बुनूंगी। देखिए एक दो देखिए रॉन्ग साइड से आ गए हम। साइडों के फंदे हमने जितने भी रखे हैं वो हम बुन लेंगे, ये देखिए। उसके बाद पैटर्न के दो फंदे हम यहाँ पे वाइट से बुनेंगे। देखिए एक दो, अब यहाँ पे ब्लैक, वाइट के ऊपर वाइट, ब्लैक के ऊपर ब्लैक है इस समय, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 12 फंदे पूरे वाइट से ही बुनूंगी, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद ये ग्रे से, इसके बाद फिर मैं चार फंदे वाइट से बुनूंगी, एक दो तीन ये चार, फिर एक फंदा मैं ग्रे कलर से बुनूंगी, उसके बाद मैं फिर ये दो फंदे वाइट से बुनूंगी, उसके बाद
फिर ये मैं ग्रे कलर से ही कंटिन्यू करूँगी अपने बचे हुए फंदे। ये देखिए इसी तरह से हम फ्रंट रो पे आ जाते हैं। अब देखिए सेवेंथ रो पे आ गए हम। अब देखिए यहाँ पे जो हमने वाइट वाला फंदा बुना है, इससे पहले वाले फंदे पे हमें वाइट फंदा लेना है इस पे। ये देखिए अब कितने टाइम्स लेना है, 9 फंदे लेने हैं हमें ये, ठीक है। 1 2 3, इसको थोड़ा सा हम इधर से ले आते हैं, 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। फिर से मुझे एक ग्रे लेना है, अब सॉरी मुझे ग्रे फंदा लेना है एक, उसके बाद मुझे 10 वाइट फंदे लेने हैं। थोड़ा सा देख लेती हूँ, यस 10 वाइट फंदे लेने हैं मुझे यहाँ पे। एक दो तीन इस तरह से, 4 5 6 7, फिर थोड़ा सा ग्रे कलर को हम लेंगे और इस तरह से 8 9 10। इसके बाद मैं फिर से एक ग्रे कलर का फंदा ही लूँगी। ये देखिए एक ये बुन लिया, उसके बाद मैं 2 वाइट लूँगी, 1 2, ठीक है। इसके बाद मैं ग्रे के साथ कंटिन्यू करूँगी। रॉन्ग साइड से आते हैं हम। अभी पट्टी के फंदे मैं बुनती जा रही हूँ, साथ ही साथ ये मैं वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ ये जो मैंने डिवाइड किया यहाँ तक मैं दिखा रही हूँ ये फंदे आपको। तो मैं नेक्स्ट रो पे आती हूँ फिर तब बताती हूँ आपको। 8वीं सिलाई पे हैं बैक साइड से और यहाँ तक आ गए हम। अब देखिए यहाँ पर इसको बुनेंगे को भी, इन दो वाइट फंदों को भी हम बुनेंगे ब्लैक से। अब ये जो ब्लैक वाला है ग्रे वाला, इसको हम वाइट धागे से बुनेंगे, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद 11 वाइट बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से थोड़ा सा ये बदल लेते हैं धागा, 10 और ये 11, ठीक है। अब ये ब्लैक के ऊपर अब हम ब्लैक धागे से बुनेंगे एक फंदा, इसके बाद हम 10 फंदे वाइट धागे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ठीक है। इसके बाद हम अपना ब्लैक धागा लगाएंगे। बाकी नॉर्मल यहाँ तक बुनते हुए आएंगे। ये 4 फंदे हमने सिंपल बुन लिए।
बाकी मैं ये बॉर्डर के फंदे इस साइड से उस साइड से बुन कर आती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ। अब हमारा डिज़ाइन यहाँ वाइट के ऊपर हम वाइट बुनेंगे और 11 फंदे वाइट बुनेंगे। एक ये देखिए इस तरह से, दो, तीन, चार। अब हम धागा घुमा लेते हैं थोड़ा सा बीच बीच में, जिससे कि यहाँ पे खिंचाव ना आए। पाँच, छ, सात, आठ, फिर से एक बार धागा घुमा लेते हैं। और 9th रो है ये हमारी। नौ, दस, 11। काउंट कर लूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11। ठीक है, इसके बाद फिर हम दो ब्लैक बुनेंगे। एक, दो, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद हम 9 वाइट कलर से बुनेंगे, 9 फंदे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और ये देखिए 9। ठीक है, इसके बाद हम ब्लैक से बुनेंगे इस तरह से, ये चारों फंदे। ये देखिए, अब हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे। पट्टी बुनने के बाद रॉन्ग साइड आ गए, 10वीं सिलाई है हमारी ये। यहाँ से शुरू हुआ है हमारा, 4 फंदे तो हमारे डिज़ाइन के चल रहे हैं। ये देखिए, इस पे भी अब हम पहले फंदे पे ब्लैक ले लेंगे, उसके बाद अब हम 21 फंदे पूरी लाइन में अब हम ब्लैक नहीं बुनेंगे, वाइट ही बुनेंगे। ठीक है, 21 फंदे वाइट बुनेंगे। तो ये हम ब्लैक धागा साथ साथ चलाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ब्लैक धागा साथ नहीं चलाएंगे तो यहाँ पे जब हमारा वाइट कलर ख़त्म होगा तो हमें यहाँ पे ब्लैक कलर के धागे की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से हमें इतना लंबा राउंड लेना पड़ेगा पूरा इस तरह से, देखिए। तो यहाँ पे बीच में पैटर्न में खिंचाव आ जाएगा। अब हम जिस तरह से ये धागे चलाते हुए जा रहे हैं, ये देखिएगा आप, तो इसमें पैटर्न में खिंचाव नहीं आएगा, क्लियरिटी आएगी। इसके नीचे से निकाला जाता है, आप देख रहे होंगे। मैं बार बार आपको, मैं इस समय पूरा डिटेल में बता रही हूँ ये वाला पैटर्न, क्योंकि मैंने ये जो गैलिस वाली पैंट बनाई है इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, सॉरी, हाँ डाल दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। ये देखिए, काउंटिंग कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21। अब हम यहाँ तक अपने ये जो 5 फंदे हैं इन्हें ब्लैक बुन लेंगे।
पट्टी के फंदे मैं आपको बुन के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये तो काउंटिंग में नहीं है इस पैटर्न में, इसलिए अब मैं लौट के यहाँ तक आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से अब हम 11वीं सिलाई पे आ गए, वाइट के ऊपर वाइट बनाएंगे और 21 फंदे बुनेंगे हम, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दो चार छः आठ 10 12 14 16 17 18 19 20 21। बीस फंदे बुनेंगे हम, दो चार छः आठ 10 12 14 16 18 और ये 20। अब हम ब्लैक से कंटिन्यू करेंगे, एक अब मैं लौट कर आती हूँ यहाँ पे, देखिए ये हमारी 12वीं लाइन है, 12 के ऊपर वाइट लेंगे अब देखिए, और कितनी बार काउंट करेंगे, 14 बार वाइट बुनेंगे हम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 सॉरी इधर लाके 12 13 14। ठीक है, इसके बाद तीन ब्लैक, एक दो तीन, अब ये तीन वाइट, एक दो तीन, फिर ब्लैक से कंटिन्यू करेंगे अपना साइड के जो बचे हुए फंदे हैं, देखिए 13th रो पे मैं आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो वाइट है इसको हम ब्लैक ले लेंगे, इसके बाद हम 6 वाइट लेंगे, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, ये थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा हो गया तो आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक हम यहाँ पे ब्लैक लेंगे, एक ब्लैक बुनने के बाद 11 वाइट बुनेंगे,
एक, दो, तीन, चार। पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। दो, चार, छ, आठ, दस और एक ग्यारह, उसके बाद फिर ब्लैक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये देखिए अब हमारी ये 14वीं लाइन आ गई। टोटल 29 लाइन हमें कंप्लीट करनी है पैटर्न की। ये देखिए अब ये दो वाइट के ऊपर हम दो ब्लैक ले लेंगे इस तरह से, और आठ वाइट लेंगे। एक, दो, तीन, चार, ठीक है, एक ब्लैक ले लेंगे बीच में, आठ वाइट के बाद। एक, दो, तीन, चार, टोटल आठ होने चाहिए, दो, चार, छः, आठ, ठीक है। अब हम एक ब्लैक लेंगे ये वाला, एंड देन फिर से आठ वाइट। एक, दो, तीन, चार, ये पाँच, छः, सात और ये आठ। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। रॉन्ग साइड से आती हूँ, देखिए 15वीं लाइन में हम आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वाइट बुनेंगे, ठीक है, 16 वाइट बुनेंगे एक साथ, एक पहले से ही। वाइट धागा घेरा, 16 फंदे वाइट बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, 16 फंदे बुनेंगे हम। एक, दो, तीन, ये चार, ठीक है, दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, 16 फंदे हम वाइट बुनेंगे। बाकी हम पूरा यहाँ तक ब्लैक से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए देखिए अब हम 16th रो में हैं।
देखिए ब्लैक लेंगे अभी हम, और जब वाइट धागा आएगा ये देखिए यहाँ पे, अब ये वाइट धागे पे पांच धागों, पांच फंदों पे ब्लैक लेंगे, दो तीन चार और ये पांच, ठीक है। पांच फंदों पे हमने ब्लैक लिया, एक दो तीन चार पांच, इसके बाद हम 12 वाइट लेंगे, एक दो तीन चार, ब्लैक धागे को इधर करेंगे, पांच छः सात आठ, एक बार फिर से ब्लैक धागे को इधर करेंगे, नौ दस ग्यारह ये 12, ठीक है। अब हमारा ये देखिए एक फंदा रह गया बस यहाँ पर, ये देखिए अब ये तो हमारा जो बॉर्डर चल रहा है पट्टी, ये उसी का फंदा है। अब हमारे पास यहाँ पे पैटर्न बनते बनते एक फंदा रह गया, फेस बनाएंगे हम ये, हम इसमें। अब देखिए अब हम 17th रो पे आ गए। अब देखिए चार फंदे जो हमने इस साइड एक्स्ट्रा लिए थे, चार फंदे इस साइड एक्स्ट्रा लिए थे इस पैटर्न को बनाने के लिए, बाकी पैटर्न के फंदे थे, तो उसमें से अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक फंदा रह गया, ठीक है। तो इसमें हम वाइट बुनेंगे, ये देखिए अब हमारा पैटर्न का ये लास्ट फंदा था, इसके आगे हमारी पट्टी है, अब इसके आगे हमारा एक भी फंदा नहीं बढ़ेगा, 14 फंदे वाइट बनेंगे, दो तीन इसको इस साइड कर लेंगे, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, दो चार छः आठ 10 12 14, अब पूरे हम यहाँ तक ब्लैक बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात ये देखिए यहाँ तक हमने ये पैटर्न बनाया। अब हम 18th रो पे आएंगे। अब देखिए अब हम ये 18वीं लाइन पे खड़े हैं, ये देखिए वाइट धागा जहाँ पे हमने वाइट फंदा बनाया उससे पांच फंदे पहले हम वाइट बुनेंगे, दो चार छः, ये देखिए दो चार, अब ये पांच फंदे जो हैं इन्हें हम वाइट बुनेंगे, देखिए इस तरह से, एक दो तीन चार और ये पांच। अब ये जो वाइट है इस पे हम ब्लैक बनेंगे, एक ब्लैक, इसके बाद हम 13 वाइट फंदे बुनेंगे, 13 वाइट फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, एक बार फिर ये धागा इस साइड करेंगे, पांच छः सात आठ नौ, फिर ये ब्लैक इस साइड करेंगे, दस ग्यारह
बारह, ये 13, ठीक है। अब हम ये अपने पट्टी के फंदे बुन लेंगे। ये देखिए अब हम 19वीं लाइन पे हैं। देखिए ये तो पट्टी के फंदे हैं, ये देखिए हमारे पास ये मेरी पट्टी के फंदे हैं, यहाँ से डिज़ाइन का फंदा है ये। तो अब मैं यहाँ पे 5 वाइड बुनूंगी। देखो 1, दो, धागे को ऊपर कर लूंगी मैं, 3, चार और ये 5, ठीक है। 5 मैंने वाइट बुन लिए, अब मैं 2 ब्लैक बुनूंगी, 1, 2, ठीक है। इसके बाद मैं 14 फंदे वाइट बुनूंगी, 1, 2, 3, 4, सॉरी इसको इस साइड लाऊंगी, 5, 6, 7, 8। ये देखिए कैसे झुंड बन जाता है यहाँ पे धागों का, बहुत अंटे लग जाते हैं। 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब मैं अपने ब्लैक धागे से बुनूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ठीक है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से कुछ कुछ रैबिट बन के आने लगा है। ये देखिए इसकी टेल है, ये लेग है, ये फेस बन रहा है, ये बॉडी पार्ट है, तो आगे क्लियर दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे ये पट्टी के फंदे बुन लूँगी। ये देखिए अब हम अपनी 20 रोज पे आ गए हैं, 20। ये देखें, अब यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला फंदा है इसको हम वाइट बुनेंगे, ये देखिए, और हम 10 फंदे वाइट बुनेंगे यहाँ से, 1, 2, 3, 4, पाँच, सॉरी 6, 7, 2, 4, 6, 7, ये 8, दस, 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद एक ब्लैक बुनूंगी मैं। ये देखिए एक ब्लैक बुन लिया मैंने, फिर 4 वाइट बुनूंगी, 1, 2, 3, 4 वाइट, फिर से ये 2 ब्लैक, 1, 2, अब फिर ये 4 वाइट, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये मैं अपना साइड का बचा हुआ जो फंदा होता है इसको ब्लैक से बुनूंगी, फिर अपनी पट्टी बुनूंगी।
ये देखिए, अब हम यहाँ पे 21वीं लाइन में आ गए अपने। 21वीं लाइन में यहाँ से ब्लैक बुनेंगे, और जो वाइट है वाइट के ऊपर हम वाइट बुनेंगे, और 11 वाइट बुनेंगे हम। ये देखिए, ग्यारह फंदे वाइट बनेंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, इसको फिर हम इस साइड कर लेंगे, पांच, छः, सात, आठ। नौ, 10, 11, ठीक है। ये थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा आ गया, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए, ठीक है, 11 हुआ ये। इसके बाद सात ब्लैक बुनूंगी मैं, एक, दो, तीन। अब हम वाइट को इस साइड ले आएंगे, चार, पांच, छः, सात, ठीक है। सात ब्लैक बुन लिए, और उसके बाद तीन वाइट बुनेंगे, एक, दो, तीन, ठीक है। अब हम ब्लैक बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः। इसके बाद लौट कर आते हैं। ये देखिए, 22वीं लाइन पे आ गई हूँ मैं। बैक साइड से यहाँ से तीन फंदे बुन के, देखिए, चार, पाँच। अब ये जो ब्लैक है वाइट से पहले वाला, इस पर वाइट बुनेंगे, और तीन फंदे वाइट बुनेंगे, एक, दो, तीन, ठीक है। को टाइट कर देंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम सात ब्लैक बुनेंगे, एक, दो, तीन, इसको हम इस साइड लाएंगे, चार, पाँच, छः, सात। देखिए, दो, चार, छः और एक सात, ठीक है। इसके बाद हम 11 वाइट फंदे बुनेंगे, 22वीं लाइन में 11 वाइट बुनेंगे, एक, दो, तीन, इसको फिर इस साइड लाएंगे, चार, पाँच, छः, सात, आठ। फिर हम इसको इस साइड लाएंगे, इसको नीचे से निकाल लेंगे, नौ, 10, ये 11। एक बार काउंट कर लेंगे, दो, चार, छः, आठ, 10 और एक, 11। गाइज, मेरी आवाज़ शायद आपको कम लग रही हो, लेकिन मैं ना बोर हो गई हूँ इसको बनाते बनाते, काउंटिंग करते करते। तो आप समझिएगा, वैसे थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा, और वैसे तो मैं यह दिखा देखने का ही काम है वैसे तो। ये देखिए, ठीक है, 11 हो गए, दो, चार, छः, आठ, 10, 11। अब ब्लैक, एक, और ये दो। अब हम अपना जो भी मैं डिज़ाइन कंटिन्यू करी हूँ वो करूँगी। अब देखिए, यहाँ पे हम 23 रो पर हैं, एक, दो, इसके ऊपर भी हम एक ही ब्लैक ले लेंगे। अब हम यहाँ से आठ वाइट बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः,
सात आठ, ठीक है। इसके बाद एक लेंगे ब्लैक, फिर तीन वाइट, एक दो, इसके बाद फिर हम लेंगे पांच ब्लैक, एक दो तीन, चार, पांच, इसके बाद हम लेंगे तीन वाइट, एक दो तीन, ये देखिए। उसके बाद हम ब्लैक धागे से बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए पांच फंदे बुन लिए। अब बैक साइड से आएंगे, अभी देखिए अभी हम फोर्थ 24th रोज पे हैं, 24वीं लाइन पे, ये देखिए एक दो तीन चार, ये देखिए पांच, और ये छः, इसे भी हम ले लेंगे, इसे भी हम क्या कहते हैं ब्लैक से बुन लेंगे। इसके बाद नौ हम वाइट बुनेंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, देखिए नौ वाइट बुन लिया, एक ब्लैक बुनेंगे, फिर से सात वाइट बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बाकी ये ब्लैक बुन लेंगे। ये देखिए 25th रो पे आ गई हूँ, एक दो तीन चार पाँच। अब ये देखिए यहाँ पे जो चार वाइट हैं उसको मुझे ब्लैक बुनने हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, चार मैंने ये ब्लैक बुन लिए। इसके बाद मुझे चार वाइट बुनने हैं, वाइट धागा यहाँ पे है, एक दो तीन चार, ठीक है। अब एक ब्लैक, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद सात वाइट, एक दो तीन चार, अब ब्लैक धागा ऊपर ले आऊंगी मैं, पाँच छः सात, अब ब्लैक से बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अभी देखिए 26th थ्रो पे हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब देखिए वाइट के ऊपर दो वाइट लूँगी मैं, एक और ये दो, पांच ब्लैक, एक दो तीन
चार पांच, और ये चार वाइट, एक दो तीन चार, ठीक है। अब सभी ब्लैक बुन लूंगी, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ 10। अब देखिए 27th रो पे आ गई हूँ। ब्लैक के ऊपर ब्लैक बुनती जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कहाँ से वाइट लगा रही हूँ। अब ये देखिए, ये वाइट पे ब्लैक बुनूंगी। अब यहाँ से मैं 10 फंदे वाइट बुनूंगी, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ 10, ठीक है। दो चार छः आठ 10, बाकी सभी ब्लैक बुनूंगी। नेक्स्ट रो पे आते हैं। अब देखिए ये 28th रो पे हूँ मैं, बस ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से हम कौन सा फंदा, अभी तो देखिए ब्लैक से ही चल रहा है हमारा। ये देखिए अब वाइट के ऊपर मैं वाइट बुनूंगी, ठीक है, और 9 फंदे वाइट बुनूंगी। अब मैं यहाँ से एक दो तीन चार इसको ऊपर लाऊंगी, बस इसके बाद एक रो और है, पांच छः सात आठ और ये 9, दो चार छः आठ 9। अब ये ब्लैक से जाएंगे सभी, जितने भी फंदे हैं हमारे पास बचे हुए ब्लैक से करेंगे। अभी हम नेक्स्ट रो पे आते हैं। अब देखिए ये लास्ट रो है हमारी, ब्लैक से बनाती हुई आई हूँ मैं, जितने भी फंदे हैं ब्लैक से बनाइएगा, बस जहाँ पर वाइट ये देखिए आया इसको ब्लैक से बनाइए। इसके बाद देखिए 7 फंदे वाइट से बनाइए, एक दो तीन, ठीक है, ये ऊपर करके चार पांच, चलिए पांच पे फिर एक बार ऊपर करते हैं, छः सात, बस यहीं पे हमारा ये वाइट कलर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। ब्लैक से बचे हुए सभी फंदे बुन लीजिए। नेक्स्ट रो पे आइए, देखिए 29 रोज़ का हमारा ये पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। ये देखिए पट्टी के फंदे मेरे अलग हैं, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। अब हम अपना ये पैटर्न बंद कर रहे हैं, कर दिया मतलब 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 28 फंदे हैं, और जो मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ बिब पार्ट, ये यहाँ से देखिएगा उसके में मैंने चार चार फंदे घटा दिए हैं, तो हमने 28 और 36 फंदों से स्टार्ट किया था ये पैटर्न। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा रैबिट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है फाइनल, इसको बनने के बाद थोड़ा सा और सलाइयाँ इतना बनाने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे पैटर्न बनने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये रैबिट।
ये देखिए। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन के साथ, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये देखिए, ऐसे और भी नए पैटर्न्स और डिज़ाइन देखने के लिए आप मुझे मेरे पेज इजी नीटिंग क्लासेस, इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे उस पर कोई भी पिक या कोई भी मैसेज कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप मुझे डायरेक्ट, तो मैं आपको वो ज़रूर बना के दूंगी। मुझे कमेंट करके बताएं कि ये मेरा मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो चलिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।